हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज, और कुछ अदर डिजीज हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज के अंदर ही आती हैं। जैसे कि अदर बैक्टीरियल डिजीज आर डायरियल डिजीज। डायरियल डिजीज मेनली हमारे स्टमक में बहुत सारे समटाइम बैक्टीरिया जब एंटर कर जाते हैं तो हमारी इनर लेयर को रप्चर करते हैं, जिसकी वजह से जो भी फूड हम अपटेक करते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और हमें मोशंस के फॉर्म में लिक्विड रिलीज होता है। ठीक है, उसी के लिए टर्म यूज करते हैं हम डायरियल डिजीज। डायरियल डिजीज कोई सिंगल बैक्टीरिया के थ्रू नहीं हो सकता, अलग अलग बैक्टीरिया भी उस चीज को डिजीज को कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेजेला, एसरेशिया कोलाई मतलब ई कोलाई, कैंपाइलो बैक्टर, साल्मोनेला, ये सारे ही एंटीरो बैक्टीरियसी फैमिली के अंदर आते हैं। मींस जो कि वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में इजिली क्या हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं एंड देन हमारे स्टमक को एब्सिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया है, डायरियल डिजीज का नाम दिया है। आप लोगों को ई कोलाई की फुल फॉर्म हमेशा लर्न होनी चाहिए, जिसका नाम है एसरेशिया कोलाई विद स्पेलिंग। नेक्स्ट है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म नॉर्मली हमें क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम के थ्रू होता है और मेनली ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग, समटाइम कुछ एग्स या कुछ स्पोर्स क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम के कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो फ्लाई के थ्रू हमारे फूड पर, हमारे वाटर पर या कितनी भी खाने वाली जितनी चीजें होती हैं उन पर आके बैठ जाती हैं और उस पर वो छोड़ देती हैं। जब हम उन्हें अपटेक करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसलिए हम टर्म यूज करते हैं बॉटुलिज्म। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ह्यूमन के अंदर नहीं होती, चिकन्स के अंदर होती है। मेनली बैसिलस एंथ्रेक्सिस ये डिजीज कॉज करती है और बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर हायर होता है इसलिए ये डिजीज किसको हो रही है, चिकन को होती है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस सबको पता है ब्रेन में 3 layers ऑफ मेनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उसी की बात कर रहे हैं। जहां पर भी टिक्स आ जाता है इट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स। ठीक है, अगर ब्रोंकाइटिस होता तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेनिनजाइटिस लिखा है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंग्स मतलब ब्रेन की जो लेयर्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन का होना किसके थ्रू होता है, नाइजेरिया मेनिनजाइटिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज कहलाती हैं और सम टाइम ह्यूमन के अंदर हो सकती हैं। सबसे कॉमन डिजीज जो नॉर्मली हर ह्यूमन के अंदर आप देखने को मिलेगी, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए हम कोई वैक्सीन भी नहीं ले सकते। रीजन बिहाइंड कॉमन कोल्ड, कोई सिंगल बैक्टीरिया कॉज नहीं कर सकता, कोई सिंगल वायरस कॉज नहीं कर सकता, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस कॉमन कोल्ड को कॉज करते हैं। देखिए कॉज मोस्ट इन्फेक्शियस कॉमन डिजीज, हर पर्सन में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी, कॉज बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। कोई सिंगल वायरसेस नहीं कर रहा है, क्या ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉज करते हैं, जो क्या नाम है उनका, राइनो वायरसेस, इसके अंदर आते हैं बहुत सारे वायरसेस। एपिडर्मोलॉजी नेचुरल है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींका स्नीजिंग कफनिंग, ठीक है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है एयर में आ जाते हैं, ऐसी उसके लिए टर्म यूज करते हैं एयर बॉर्न डिजीज या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फॉर्माइट बॉर्न। एयर बॉर्न डिजीज क्योंकि जब उसने स्नीजिंग की तो एयर में उसके मॉलिक्यूल्स आ गए और वहीं पे कोई थर्ड पर्सन है उसने उसको इनहेल कर लिया, तो वो इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में क्या हो सकता है, इजिली ट्रांसफर हो सकता है। ड्रॉपलेट्स जब हम स्नीजिंग की फॉर्म में जो चीज बाहर आती है उसमें ड्रॉप एयर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, धीरे धीरे वो सेवरल एरिया तक पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर, जिसकी वजह से उस एयर में जो भी पर्सन उसको इनहेल करेगा तो इजिली वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर्माइट बॉर्न, फॉर्माइट बॉर्न का मतलब मान लीजिए एक पर्सन ने स्नीजिंग की और उसने ऐसे किया देन कोई सामने से उसका फ्रेंड आ गया एंड उसने हैंडशेक कर लिया, या सम टाइम घर में कोई घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं सेम टॉवल यूज कर लिया एक्सेट्रा, तो फॉर्माइट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक पैन बुक कैप कंप्यूटर पार्ट्स टॉवल कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। ठीक है, मान लीजिए पर्सन वो काम ही कर रहा था आपने उससे पैन ही बोरो कर लिया तो वो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में इजिली ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए उसकी एपिडर्मोलॉजी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्माइट्स। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटे से कुछ दिनों में ये क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है, अफेक्टेड नेजल एपिथेलियम, मेनली इस पार्ट में हमें क्या होने लगता है, इन्फेक्शन होता है अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब हमें यहाँ पर भी प्रॉब्लम लगती है, बट लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं जाता कॉमन कोल्ड का। ठीक है,
बट नॉट द लंग्स। लंग तक इन्फेक्शन क्या होगा, ग्रो नहीं करता, सिर्फ हमारे नेजल पार्ट एंड अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में ही रहता है। ठीक है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेजल कंजेशन, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। एंड डिस्चार्ज नेचुरल है, जब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो जो नोज से निकल रहा है दैट्स डिस्चार्ज। सॉर थ्रोट, गला खराब रहता है। ठीक है, हॉर्नेस, आवाज में भारीपन आ जाता है। कफिंग, खांसी होती है। हेडक, सिर में दर्द रहता है। स्नीजिंग, अगेन एंड अगेन हम उसको अपनी नोज से बाहर निकालते रहते हैं। एंड फीवर, ये सारे कॉमन कोल्ड के कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस अटैक लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days। लगभग इसका जो इन्फेक्शन रहता है वो 3 to 7 days तक रहता है, फिर धीरे धीरे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है, उसको रिमूव कर देती है, देन हम क्योर हो जाते हैं। प्रोफाइल एक्सेस, मान लीजिए किसी पर्सन को ये चीज है तो उससे हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, या तो पेशेंट से दूर रहे उसे आइसोलेट कर दें। ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स एंड क्लोथ यूज बाय द पेशेंट। स्टरलाइजेशन एक टर्म है और स्टरलाइजेशन हम आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सबको पता है कोरोना की वजह से हम कहते हैं कि हमें कोई भी टच नहीं करनी है, एंड देन अगर गलती से हमने टच किया है तो हमें स्प्रिट से क्लीन करना है या सैनिटाइजर का यूज करना है। तो स्टरलाइजेशन का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट ना हो, तो हम जब उसको अपने हैंड पर लगाते हैं आपके सैनिटाइजर को, तो वो क्या करता है, स्टरलाइज कर देता है, अब वहां पर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज हम मार्केट से लेके आते हैं उसको वॉश करते हैं या उसको सैनिटाइज करते हैं तो स्टरलाइजेशन कर रहे हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल्स को, उनके क्लोज को हमें क्या करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए। एंड थेरेपी, अगर हमारा कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है कॉमन कोल्ड, तब हमें क्या लेनी है, एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का नाम हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक सिंगल वायरस के थ्रू नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस के थ्रू हो रहा है, दैट्स वाई हम उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही एंटीबायोटिक को अपटेक करेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक का नाम आपको नहीं सजेस्ट किया। थैंक यू एवरीवन।